दोस्तों आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग डे बाय डे लाइफ में यूज करते हैं। जो बेसिक चीजें हैं, अगर हम आपको बोलें कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, तो सिंपली हम कहना चाहेंगे अगर आप किसी चीज को फेंकते हैं तो वो जिस भी मोशन को फॉलो करता है उसी मोशन को कहते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और लैंड भी कर गया है, तो कांग्रेचुलेशन टू इसरो एंड टू ऑल द इंडियंस। सो हम आपको बस यही कहना चाहेंगे कि जब वो लॉन्च किए हुए उनको भी प्रोजेक्ट किया गया है ना, तो उनका भी अपना एक पाथ है। जब भी किसी चीजों को फेंकते हैं तो जिस पाथ को फॉलो करता है, जिस मोशन को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर आप, मैं बात करूं सिंपली, अगर मैं किसी चीज को यहाँ जमीन से ऐसे फेंकूं तो ये कुछ ना कुछ ऐसा पाथ बनाएगा, है कि नहीं है। ये जो पार्टिकल जिस मोशन को फॉलो कर रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप यू आर गेटिंग। प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो सिंपली लिखेंगे इट इज टू डायमेंशनल मोशन। एक ही समय में पार्टिकल जब दो डायरेक्शन में जा पाएगा तो उसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन। कैसे? तो मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस जमीन है और यहां से मैंने प्रोजेक्ट कर दिया यू वेलोसिटी से। क्या आपको नहीं लगता कि पार्टिकल जाएगा कुछ ऐसा? तो उसी एक टाइम में पार्टिकल कभी यहां भी पहुंचा हुआ होगा, तो आपको नहीं लगता कि वो उसी टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल एक्स डायरेक्शन में किया, इतना डिस्टेंस वाई डायरेक्शन। सो दो डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है एक ही टाइम में, दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपली टू डायमेंशनल मोशन है और मोशन अंडर ग्रेविटी। इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। क्यों ऐसा? क्योंकि आप जान रहे हैं इन चीजों को, अगर हम लोग यू वेलोसिटी से थ्रो किए तो पार्टिकल को सीधे ही चले जा रहा था, बट पार्टिकल ने अपना रास्ता कुछ ऐसा बनाया है। इट इज ओनली बिकॉज कि माता बुला रही है, माता बोले तो अर्थ, अर्थ बोले तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, फोर्स लगाती है माता, तो वो नीचे आ जाता है, अदरवाइज वो ऐसे ही। अगर आपकी, आपसे हम पूछे क्या पार्टिकल ऐसे फेंका गया और वो जाते जाते ऐसे गिर जाता है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। वो जिस पाथ को फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड पैराबोलिक पाथ, वो आगे हम लोग डिराइव करेंगे रिलेशन, बट एट द सेम टाइम जिस मोशन को ये फॉलो कर रहा है थ्रो करने के बाद, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फ्रेंड्स अभी सबसे पहले तो हम इन चीजों को देखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इन चीजों को देखना चाहेंगे। जब कभी भी पार्टिकल को मान लेते हैं, वो सबसे पहले बेसिक टर्म्स डिफाइन कर देते हैं। तो अगर इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं थीटा एंगल से, क्योंकि अगर आपको फेंकना है किसी चीज को तो निश्चित रूप से कुछ एंगल से ही फेंकेंगे, हवा हवाई बातें तो होंगी नहीं, तो हम लोग फेंकेंगे कुछ एंगल से और कुछ वेलोसिटी से भी। यहाँ पे यू को कहते हैं हम लोग प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। यू इज नथिंग बट प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। थीटा क्या है यहाँ पर? तो भैया प्रोजेक्टेड एंगल, क्योंकि उसी एंगल से उसको क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। समझ रहे हैं ना बातों को? यस फ्रेंड्स, चूंकि ये टू डायमेंशनल मोशन है और हम इसको ना डायरेक्शन वाइज करके ब्रेक करेंगे और फिर देखते हैं। ऐसे तो वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रेक करके बताऊंगा। चीजों को देखिए, पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा इस डायरेक्शन में, दैट इज यू कॉस थीटा। इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, हम लोग रिजोल्यूशन पढ़ के रखे हैं। और इस डायरेक्शन के वेलोसिटी को बोलेंगे हम लोग दैट इज यू वाई, और ये होगा दैट इज यू साइन थीटा। हम लोग पढ़ के रखे हैं पहले, दैट इज किस तरीके से इसका कंपोनेंट ब्रेक करता है। आई थिंक यू आर गेटिंग फ्रेंड्स। जिस चीजों की बात हम लोग फिलहाल कर रहे हैं वो इस तरीके से होंगे। अब हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पार्टिकल जब थ्रो किया गया तो पार्टिकल में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है या वाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन, सबसे पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, तो ये होता है जीरो। क्यों जीरो होता है? तो आपको पता होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन तब आता है जब उसकी उस दिशा में फोर्स लग रहा हो। तो आप जान रहे हैं कि जब हम अर्थ सरफेस पे किसी चीजों का प्रोजेक्ट करते हैं तो पार्टिकल ऐसे करके ऐसे घूम जाता है, तो नीचे की ओर तो माता फोर्स लगाती है, दैट इज ग्रेविटी फोर्स। बट वाई डायरेक्शन, ये तो मेरा वाई डायरेक्शन है ना, ऊपर नीचे, और ये वाला मेरा एक्स डायरेक्शन है।
एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इधर सिंस जीरो है, नहीं है कोई फोर्स, इसीलिए यहां पर मास तो कुछ ना कुछ होगा ही, इसका मतलब एक्सेलरेशन ही जीरो है। इसलिए हम लोग क्या पाते हैं कि एक्स डायरेक्शन में चूंकि कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन अवेलेबल नहीं है। दोस्तों आई थिंक आप गेट कर रहे हैं, तो मैंने एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन रखा है जीरो। सिमिलरली अगर हम लोग वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशन की बात करें तो आपको बता दें कि जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है यू वेलोसिटी से थीटा एंगल से, तब पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन इधर नीचे फोर्स लगा होता है ग्रेविटी फोर्स, एक्स की तरफ कोई भी फोर्स नहीं होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन एक्स में जीरो होता है, जबकि वाई में जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी होता है जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप यू आर गेटिंग, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके। ठीक है दोस्तों, जो जरूरी चीज ये है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन जब करते हैं, जैसे चीजों को मान लेते हैं यहां से प्रोजेक्ट कर दिया गया, ये मेरा अर्थ सरफेस है, और यहां से मान लेते हैं यू वेलोसिटी से थीटा एंगल से इसको प्रोजेक्ट कर देंगे तो पार्टिकल कुछ ऐसे चलेगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ये डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है एक्स डायरेक्शन में? जब चीजों को फेंकेंगे यहां से तो कुछ दूर पे जाके गिरेगा, तो वो निश्चित रूप से एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया, इसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। अच्छा, क्या पार्टिकल को यहां से यहां जाने में कुछ टाइम लगा होगा कि नहीं लगा होगा, और इस दौरान वो क्या कर रहा होगा? उड़ रहा होगा, तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये जो यहां से यहां ए से बी आया होगा, इसके एक्स डायरेक्शन के डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं, जबकि यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगा होगा उसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। एंड आप अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को सही से रीड कर पा रहे हैं तो इसमें एक और टर्म है, दैट इज एक ऐसा हाइट जो मैक्सिमम है इसका, क्योंकि जब आप बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं, चीजों को फेंकते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट, मैक्सिमम हाइट जमीन से एक समय के लिए निश्चित हो रही होती है, और यहां इस केस में मैक्सिमम हाइट ये है। तो अभी जो प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिक चीजें करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं, कितना टाइम लगा यहां से यहां आने में जब चीजों को फेंक दें, रेंज क्या होगा और मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो आई थिंक यू आर गेटिंग द थिंग्स कि हमको प्रोजेक्टाइल मोशन में भी निकालना क्या है। दोस्तों अभी हम लोग निकालना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट मैक्सिमम। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्शन चूज करेंगे और करेंगे, ठीक है? ठीक दोस्तों, तो मैंने ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से यहां प्रोजेक्ट कर दिया है, इन प्रोजेक्टेड एंगल थीटा है, पार्टिकल ऐसे करके जाएगा और इस पाथ को फॉलो करेगा क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। यहां पे ये जो मैक्सिमम हाइट है हमको ये निकालना है, साथ ही एक्स डायरेक्शन में जो इसका डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको रेंज बोलते हैं, वो निकालना होगा आप लोगों को। और अभी जो हम लोग फिर निकालेंगे, दैट इज इट विजिबल टू अस और नॉट, यस इट इज विजिबल, सो ये निकालना होगा। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे दैट इज यहां से यहां आने में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो। तो सबसे पहले हम लोग अभी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि एक डायरेक्शन चूज कीजिए, तो मैं एक डायरेक्शन चूज कर रहा हूं, दैट इज टेकिंग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के लिए सबसे बताइए पहले इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में कितना है, तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट ले लीजिए, बताइए ux कितना होगा, दैट इज u cos थीटा, क्योंकि हम लोग रिजोल्यूशन पढ़ चुके हैं, और uy क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, दैट इज u sin थीटा। ओके, सो हम लोग लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, दैट इज u cos थीटा। एंड क्या होता है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, दैट इज जीरो, क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अवेलेबल ही नहीं है। ओके, एंड देन आफ्टर अगर हम लोग बात कर पाए तो हम लोगों के लिए है दैट इज यू एक्स हो गया, ये हो गया, एंड हम लोगों को चाहिए टाइम ना। अच्छा, माफी चाहेंगे अगर हमको टाइम पीरियड चाहिए ना, तो इसके लिए हम लोगों को कुछ और निकालना पड़ेगा, दैट इज वाई डायरेक्शन चूज करना होगा, तो हमको इसको वाई लिखना होगा, दैट इज यू साइन थीटा। मैं एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन क्या होगा, तो अभी अभी बताया, दैट इज जी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में ये जो ऊपर है मैंने साइन कन्वेंशन में इसको पॉजिटिव लिया है, और ये जी नीचे है तो इसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, हमको ये बता दो पार्टिकल जब यहां से यहां आया इसको टाइम कितना लग गया, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज टी। बट लेकिन हमको बताएंगे क्या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स वाई डायरेक्शन कितना हुआ है, तो भैया वाई डायरेक्शन तो यही है,
पार्टिकल यहां से कूद करके यहां ही आ गया x एक्सिस पे, तो ये y एक्सिस पे लाइक कर रहा है, y एक्सिस में कुछ भी ऊपर नहीं गया, तो आप देख पा रहे हैं कि y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, जीरो है। सो अगर आप चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो हम लोग काइनेमैटिक्स में एक इक्वेशन पढ़ के रखे हैं, वो इक्वेशन है दैट इज वी नो एस y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट जैसा कि आप देख रहे हैं जीरो, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज u sin थीटा, और टाइम के जगह टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी और टाइम की जगह टी स्क्वायर। जब ये माइनस आगे आएगा और ये इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा जी बाय टू टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी। जब हम लोग एक टाइम खत्म कर देंगे, सो यहां से हम लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आएगा, टू उधर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज टू मीन यस टू यू साइन थीटा अपॉन जी। सो इस तरीके से हमको प्रोजेक्टाइल मोशन का ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकल करके आया जाएगा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी हमको पता होनी चाहिए, थीटा पता होनी चाहिए, हम लोग इस फॉर्मूला पे डालेंगे और हमको प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाएगा। आई थिंक यू हैव गॉट इट। तो दोस्तों हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का टर्म लिख लेते हैं, दैट इज टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अभी नेक्स्ट हम लोग रेंज निकाल, दोस्तों अब अगर हमको रेंज निकालना है इसका रेंज, तो ये किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ना, इसीलिए हमको चूज करना होगा एक्स डायरेक्शन, दैट इज अभी हम लोग चूज करेंगे टेकिंग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो आपको पता है दैट इज यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या होता है, तो दैट इज जीरो। एंड आपको पता है जितने टाइम में पार्टिकल यहां से यहां वाई डायरेक्शन में गया, उतने ही टाइम में यहां से यहां भी आएगा, दैट इज दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, दैट इज नथिंग बट टू यू साइन थीटा बाय जी। अभी अभी हम चीजों को डिराइव किए हैं। फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन आप खुद देख रहे हैं क्या है ये टाइम ऑफ फ्लाइट में, दैट इज रेंज के बराबर। तो हम लोग चाहते हैं रेंज का डेरिवेशन, तो इसके लिए हम लोगों को करना होगा जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज वी नो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स की वैल्यू लिखेंगे दैट इज आर, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, टाइम की वैल्यू दैट इज टू यू साइन थीटा अपॉन जी, प्लस एक्सेलरेशन चूंकि ये क्या है मेरा एक्सेलरेशन जीरो ना, ये होल टर्म हो जाएगा जीरो, इसको नहीं लिखते हम। तो यहां से हम लोगों को रेंज का फॉर्मूला निकल करके आएगा, दैट इज टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। कई लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, मतलब कई क्वेश्चन में हम इस तरीके से इसका यूज करते हैं, और हम लोग रेंज का फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो देखो यू स्क्वायर को बाहर लिख लो, 2 sin थीटा into cos थीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज sin 2 थीटा बाय जी। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्वेश्चन में जैसा सिचुएशन दिया हुआ है अकॉर्डिंगली हम लोग यूज करेंगे, और इस तरीके से जब कभी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो उसका रेंज हमको निकल करके आ जाएगा, एंड दैट रेंज इज नथिंग बट दैट इज यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। आर वी गेटिंग और नॉट, यस ओके। सो अभी हम लोग बात करेंगे हाइट मैक्स। दोस्तों मैंने दो टर्म निकाल लिया, दैट इज रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम चाहते हैं पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट कितना, ये हाइट किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है ना, तो ऐसे को निकालने के लिए हमको वाई डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा। सो हम लोग लिख रहे हैं टेकिंग वाई डायरेक्शन। अगर हम लोग वाई डायरेक्शन को चूज करते हैं तो हमको बताइए कोई भी पार्टिकल जैसे थ्रो कर दिए, यार ये वापस क्यों आ रहा है, इसको तो चले जाना चाहिए ऊपर के ऊपर ही, बट ये ऊपर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब तक इसके पास वेलोसिटी था तब तक तो ये गया, लेकिन एक हाइट अचीव करने के बाद इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट, जैसे ही मैक्सिमम हाइट अचीव किया होगा उसकी वेलोसिटी वहां पर जीरो हो गई होगी। अगर जीरो नहीं होता तो वो फिर ऊपर जाता ही रहता, बट क्या करता है वो, जैसे इसकी वेलोसिटी जीरो होती है तो वो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन पकड़ता है।
तो मैक्सिमम हाइट कब अचीव करता है, जिस समय फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट का, वहां पर जाकर के जीरो। तो हम लोग टेकिंग y डायरेक्शन लेते हैं, सबसे पहले बताइए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन कितना है, आई एम सॉरी y डायरेक्शन है ना, दैट इज u sin थीटा। फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, अगर आप मैक्सिमम हाइट देखना चाहते हैं तो मैक्सिमम हाइट तभी होता है, अरे देखो ना पार्टिकल जा रहा था तो बीच में तो रुका नहीं, जा रहा था क्योंकि उसके बाद वेलोसिटी था, लेकिन एक हाइट मैक्सिमम हाइट जैसे अचीव किया फिर नीचे, इसका मतलब वहां पे जीरो हुआ होगा ना वेलोसिटी, सो फाइनल वेलोसिटी इज नथिंग बट जीरो। और एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन इज माइनस डी वाई, बिकॉज वेलोसिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ऐसा होता है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन इज दैट व्हाट एच मैक्सिमम, और अब हम लोग जानते हैं दैट इज वी नो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। लेकिन टाइम तो मेरे पास है नहीं, क्यों लगा रहे हैं ये सब, पैरामेटिक्स के रूल है, आपको जो फॉर्मूला लगाना है लगाइए, इसको नहीं लगाना होगा। हम लोग लेंगे दैट इज वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई, जो जो टर्म दिया हुआ है चुपचाप यूज कर लेना, वी वाई इज नथिंग बट जीरो का स्क्वायर जीरो, यू वाई इज नथिंग बट u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन y का z, s y इज व्हाट दैट इज h मैक्सिमम। सो यहां से जैसे आएगा दैट इज माइनस वाला इधर आएगा दैट इज 2g h मैक्सिमम, यहां जैसे करोगे ये हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर यहां से जो हाइट मैक्सिमम का एक डेरिवेशन निकल के आ रहा है दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं क्या किस तरीके से ये डेरिवेशन हो रहा है, आई होप जो बेसिक चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन का होता है दैट इज जब कभी भी चीजों को फेंकते हैं, लंबी लंबी बातें नहीं ऑब्जेक्ट, तो ये जिस पाथ को फॉलो करता है जिस मोशन को फॉलो करता है दैट मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। फ्रेंड्स अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर लें तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, माता के देखरेख में जाता है क्योंकि माता छोड़ देगी तब तो फेकेज इधर उधर ही चला जाएगा, बट वो नीचे आता है क्योंकि माता बुलाती है, यस। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हमको देखना होता है कितने देर वो उड़ रहा है हवा में पापा की परी टाइप से। एंड दूसरे हम लोग अगर बात कर लें उसका क्या कहते हैं रेंज का, कितना रेंज कवर किया है उड़ के पापा की परी, कितने दूर पे गिरी है जा करके वो। एंड थर्ड वन इज द मैक्सिमम हाइट, कितना ऊपर भी उड़ चुकी है पापा की परी, getting na, so this all we have derived yahan par time of flight is 2u sin theta by g, range is u square sin 2 theta by g, and the height maximum is nothing but u square sin square theta by 2g। abhi hum log next session jaise hi upload karenge usme isse aage ke topic baat karenge, till the time enjoy।